नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं thegangatimes.com। आज हम मौजूद है प्रशासनिक एकेडमी में। यहाँ पे सार्थक एडिविजन लगा हुआ है और यहाँ पे कई प्रदर्शनियाँ लगी हैं, उनमें से एक है इलेक्ट्रोफोर्स इंजीनियरिंग की। हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद हैं, इन्होंने ये बाइक डिज़ाइन की है और कन्वर्ट की है, बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक है ये। इसके बारे में हम थोड़ा इनसे जानकारी लेंगे। तो अभिषेक सर, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की? ये बढ़ते पोल्यूशन का वो है या फिर आप कुछ नया करना चाहते थे? सर, बढ़ता पोल्यूशन तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही अभी, और बढ़ते पेट्रोल के जो प्राइस है वो भी, उसको भी हम लोग जो मेजर कंसर्न है अभी सोसाइटी का, वो एक पेट्रोल का प्राइस जो लगभग बढ़ता जा रहा है, कभी वो नीचे तो आने नहीं वाला, तो एक वो इशू था। और हम लोग है जो यूथ के लिए, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है पर बाइक्स का इतना नहीं है, और जो हम लोग यूथ जो सेगमेंट है वो लोग बाइक्स बहुत प्रेफर करते हैं, इसलिए मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं बाइक एक डेवलप करूँ, इलेक्ट्रिक बाइक। दूसरा ऐसा है, जो हमारी हमने एक नई बाइक बनाने का सोचा था, पर जो पुरानी गाड़ियां हैं जो ऑलरेडी जो एक पाइलअप हो जाता है एक कबाड़, तो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करने का सोचा, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रिक किट डेवलप किया जो हम लोग पुरानी गाड़ी में फिट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस है, हम लोग मोटरसाइकिल्स जो है उसके लिए हम लोग प्योर इलेक्ट्रिक कन्वर्जन करके दे सकते हैं। प्योर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के बाद जो आपका 2.5 रुपये जो कॉस्ट आता है पर किलोमीटर एक पेट्रोल गाड़ी पे, वो मात्र 15 पैसे पर किलोमीटर रह जाता है, जिसका मतलब है आप 150 किलोमीटर चल सकते हैं सिर्फ 15 रुपये में। इस किट में आपको 85 किलोमीटर का टॉप स्पीड मिल जाता है, 2 किलोवाट की मोटर है अपने पास, और आपके आपकी रेंज के हिसाब से 2 बैटरी पैक्स आपको मिल सकते हैं जो 24 एम्पेयर और 48 एम्पेयर के हैं। तो 48 एम्पेयर में आपको 140 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है और 24 एम्पेयर में 70 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा बैटरी पैक लेना है अकॉर्डिंग टू योर प्राइस। अच्छा, जैसे इसमें बैटरी लगती है, और मतलब अभी ये भारत में इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ये अभी शुरुआत ही है जी, तो अगर जैसे कोई इसे खरीदना चाहे जी, तो उसका पहला सवाल यही होगा कि मतलब हम चार्ज कैसे करें और कितना टाइम लगेगा चार्ज करने में, तो उसके लिए इसमें क्या फीचर्स है? इसको चार्ज करने में 4 घंटे लगते हैं, आप घर पे आराम से इसको चार्ज कर सकते हैं। 16 एम्पेयर के सॉकेट आपको पार्किंग में आपको एक लगाना पड़ेगा, आप उससे इसको चार्ज कीजिए तो 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है, 0 to 100% 4 आवर्स में हो जाती है। हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है चार्जिंग के, अगर आपको कम चाहिए तो 2 घंटे में भी चार्ज हो सकती है, और उससे भी कम चाहिए तो 1 घंटे में भी हो सकती है, पर वो उसमें प्राइसिंग का डिफरेंस आ जाता है। प्राइसिंग आपने क्या सोची है, मतलब मार्केट में अभी अवेलेबल है ये बाइक, कोई खरीद सकता है? आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करके पुरानी गाड़ी ला के कन्वर्ट करा सकते हैं, हम लोग पूरा कन्वर्जन करते हैं A to Z। आपको कोई भी और आपको इसमें कुछ फिजिकल मॉडिफिकेशन करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो एक बाइक में लगभग 1 लाख रुपीज का खर्चा आता है अकॉर्डिंग टू द बैटरी स्पेक्स यू नीड। सो दूसरा हमारे पास एक है स्कूटर्स के लिए है, जो नॉन गियर स्कूटर्स रहते हैं एक्टिवा टाइप के, उसके लिए हमारे पास कन्वर्जन किट्स है, हाइब्रिड कन्वर्जन किट्स है, उसमें आप इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों पे गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा। तो इसमें जो कस्टमर की रेंज एंग्जाइटी होती है कि मैं कहीं जाके फंस ना जाऊँ, मेरी चार्जिंग खत्म हो गई तो मैं स्टक हो जाऊँगा, या फिर चार्जिंग स्टेशन तो अभी आए नहीं, फिर भी चार्जिंग स्टेशन होते भी तो आपको 1 घंटा वहाँ पे चार्जिंग के लिए रुकना पड़ता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा है कि आप तुरंत एक बटन दबाया और आप पेट्रोल पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ये हाइब्रिड है तो मतलब इससे चेंज करने में हमारे इंजन पे कुछ फर्क नहीं आता गाड़ी में, एक जगह भी आपको काटने पीटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, पूरी गाड़ी को एक बार सिर्फ ओपन करके उसका जो बॉडी वगैरह है हमारा किट इंस्टॉल हो जाता है और फिर वापस पैक हो जाती है। पैक होने के बाद गाड़ी लगती भी नहीं है कि वो उसमें कुछ हमने इंस्टॉलेशन किया है, सिर्फ एक स्विच दे देते हैं हम आपको, वो स्विच को आप ऑन करेंगे तो आप इलेक्ट्रिक पे चला सकते हैं वरना आप पेट्रोल पे चला सकते हैं। ओके, मैंने तो मतलब जितना मुझे पता था उतना मैंने पूछ लिया, अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो आप बताना चाह रहे हो और मैं पूछ ना पाया हूँ तो आप बता। हाँ, एक चीज़ है, जो हम लोग बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही सेफेस्ट बैटरीज हैं, हम लोग लिथियम फॉस्फेट बैटरी यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में ज़्यादातर लोग लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहे हैं। लिथियम आयन बैटरीज में क्या होता है कि उसमें कोबाल्ट और मैग्नीशियम यूज़ होता है, वो
जो हमारी जो सॉइल वगैरह है उसके लिए बहुत हजार्डियस है, हजार्डियस फॉर नेचर है वो, ठीक है. पर हमारी जो है इसका केमिस्ट्री होती है लिथियम आयरन फॉस्फोरस, जिसमें लिथियम आपका ड्राई हो जाता है बैटरी यूज होने के बाद, फॉस्फोरस आपका रिसाइकल हो सकता है, और जो एफ ई आयरन है उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं. तो ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल बैटरी है, ये सेफेस्ट है, नॉन एक्सप्लोडिंग है, ये आग नहीं, ये फूटती नहीं है, अगर शॉर्ट हो गई तो फूटेगी नहीं, नॉन कंबस्टेबल है, आग नहीं पकड़ती, अगर उसमें से कील भी पार हो जाएगी तो वो आग नहीं पकड़ेगी, नॉन टॉक्सिक है जैसे मैंने आपको बताया. तो ये बहुत सेफेस्ट केमिस्ट्री है. अगर सब लोग लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी धुआं फैल रहा है तो बाद में पूरे बैटरीज का एक पाइल अप हो जाएगा पूरा, उसको डिस्पोज करने में बहुत तकलीफ होने वाली है, ठीक है. तो इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे हम लोग गए हैं. आप देख रहे थे thegangatimes.com. मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें ज़रूरी नहीं है कि टेस्ला मोटर्स पे ही ध्यान दिया जाए, भारत में भी कई एलन मस्क मौजूद हैं. तो कैमरामैन पुष्कर द्विवेदी के साथ ये थे आतिश कुमार.